हेलो डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 में अपेयर होने वाले हैं, चाहे आप प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं चाहे आप रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अभी अभी निकली है मेरे प्यारे दोस्तों, आज ही के डेट पे सुबह के 8 बजे। जो आप लोगों का जो मसला था मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम कंडक्ट को लेकर, कब होगा एग्जाम, क्या वो पोस्टपोन हो जाएगा 40 to 45 days के लिए, तो उसको लेकर मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है कि आपका एग्जाम जो है वो मार्च और फरवरी में ही होगा जैसा कि होता था। लेकिन इसको क्या कंफर्म किया गया है और क्या होने वाला है, इसके बारे में, इस आर्टिकल के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो एडमिट कार्ड को लेकर डाउट थी बोथ प्राइवेट स्टूडेंट एंड रेगुलर स्टूडेंट के लेकर, जैसा कि आप लोगों का जो है ये डिजिटल आने वाला है, तो प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स का दोनों का सेपरेट होकर आएगा, दोनों का सेपरेट अलग अलग डेट पे आप लोगों को आएगा। आपको डाउनलोड करना है और उस पर प्रिंसिपल का डिजिटल सिग्नेचर होगा, और आपको जाकर मेरे प्यारे दोस्तों साइबर कैफे से निकलवा के साइन करके फिर से लेमिनेशन करवा लेना। ये कई बात। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ी खबर है क्या, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, प्लीज कोऑपरेट कर लीजिएगा। इस बड़ी सी खबर में ये है, इतने दिनों से बच्चे मांग कर रहे थे एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, ऐसे कई सारी अपडेट्स भी दे रही थी सीबीएसई कि हाँ एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाएंगे कोविड के वजह से। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू में हमारे जो आपके कंट्रोलर हैं सीबीएसई के, दैट इज संयम भरद्वाज जी, वो कंफर्म करते हुए ये बात कह चुके हैं कि जैसा कि एग्जाम होता था फरवरी और मार्च में, उसी तरीके से होगा और कोई प्लान नहीं है आगे के लिए। जैसा कि एग्जाम होता है वैसे ही हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण वो ये कह रहे थे, रीजन आप लोग स्क्रीन पर पढ़ते रहिए और ये न्यूज़ अभी भी आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा कारण वो कह रहे हैं, हाल ही में जो कंपार्टमेंट एग्जाम हो गई थी, कंडक्ट करा दिया गया था, उसी के बेसिस पे वो ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने कंपार्टमेंट एग्जाम भी कंडक्ट कराए थे पेंडेमिक सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में, तो उसी को नजर में रखते हुए बोर्ड एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे फरवरी और मार्च में जैसे कि होते आए हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग रुके रहें मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ऑनलाइन मोड आपका एग्जाम नहीं होगा, इस आर्टिकल में ये भी कंफर्म करते हुए उन्होंने कहा है, या आप जाकर ये पढ़ सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो इंपॉर्टेंट मैटर आती है, तो क्या ये कंफर्म हो चुका है, क्या ये पूरा ही कंफर्म है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संयम भरद्वाज जी तो कंट्रोलर है, वो सारा डिसीजन तो लेते ही है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग 10 दिसंबर को रमेश पोखरियाल जी लाइव आने वाले हैं, आप सबको पता है, तो उस इंटरव्यू में अब क्या होने वाला है वो हम सबको देखना है। क्या वो एग्जाम को पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है ना? और एक चीज जो सबसे ज्यादा चल रही है अभी ट्रेंड पे मेरे प्यारे दोस्तों, ट्विटर पे जेई और नीट के जो स्टूडेंट हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा भी एग्जाम को पोस्टपोन करिए, मार्च तक करिए, क्योंकि और वो लाखों तादाद में बच्चे हैं, आप लोग भी लाख हैं, कंपार्टमेंट में तो बहुत कम स्टूडेंट थे पर यहाँ पे लाख बच्चे हैं, कम से कम 8 से 9 लाख बच्चे अपियर होने वाले हैं। तो इस चीज़ को वो बताते हुए कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका एग्जाम फरवरी और मार्च में होगा, लेकिन अभी बहुत बड़ी डिसीजन लेनी, मतलब हमें सुननी है, इस चीज़ को कंफर्म करना हम लोगों को सुनना है, दैट इज रमेश पोखरियाल सर द्वारा 10 दिसंबर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें सेशन को। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि ये सिचुएशन है सीबीएसई, मैंने हमेशा से आप लोगों को कहा था सीबीएसई खुद की बात सुनती है और किसी की बात नहीं सुनती है, उन लोगों को जो ठीक लगता है वही वो करते हैं, कभी भी स्टूडेंट का डिमांड नहीं सुना जाता। आप लोग कुछ भी कर लें, ठीक है, वो लोग अपना ही बात सुनते हैं, पता नहीं उन लोगों की क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी सी स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं नोट्स दे रहा हूँ क्लास 10 साइंस को लेकर, साइंस का क्लास 10 का नोट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जरूर चेक करें और जरूर पढ़ाई करें। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि एक थोड़ी सी सैड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए। अब आगे क्या होना है नहीं पता, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि हाँ आप लोगों का एग्जाम जो है जनवरी और फरवरी और मार्च में ही शायद कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें और घबराएं ना मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच।